दोस्तों, राजनीति और फिल्में समाज को बदलने की जबरदस्त ताकत रखती हैं। और जब जब राजनीति और फिल्मों की बात होती है, तब तब दो बड़े नाम और चेहरे नजरों के सामने आते हैं। उनमें से एक हैं जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी जी के नाम से जानती है, और दूसरे हैं दोस्तों चार्ली चैपलिन। अब दोस्तों, किस्सा ये है कि एक बार महात्मा गांधी जी 22 सितंबर 1931 में जब लंदन में होने वाली गोलमेज वार्ता में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात चार्ली चैपलिन से हुई। उसी दौरान दोस्तों चार्ली चैपलिन भी अपनी फिल्म सिटी लाइट्स के प्रमोशन के लिए लंदन में ही मौजूद थे। और दोस्तों चार्ली चैपलिन भी गांधी जी की सादगी के किस्से न सिर्फ सुन चुके थे बल्कि देख भी चुके थे। तब दोस्तों वहां चार्ली चैपलिन ने महात्मा गांधी जी से जो सवाल पूछा और उसका जो जवाब महात्मा गांधी जी ने चार्ली चैपलिन को दिया, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों दरअसल चार्ली चैपलिन ने महात्मा गांधी जी से पूछा था कि महात्मा गांधी जी मशीनों के खिलाफ क्यों हैं? मशीनें तो इंसान की जिंदगी को आसान कर रही हैं, मशीनों से तो काम जल्दी होता है। तब दोस्तों गांधी जी ने मुस्कुराते हुए चार्ली चैपलिन को जवाब दिया था और कहा था कि मशीनों ने हमें अंग्रेजों का और गुलाम बनाया है, हमें अपनी जीवन शैली बचानी है। हमारी आबोहवा आपसे बिल्कुल अलग है, ठंडे देश में आपको अलग तरह के उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरत है, खाना खाने के लिए आपको छुरी कांटे जैसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपने इसका उद्योग भी खड़ा कर लिया है। लेकिन हम भारतवासियों का काम तो उंगलियों से चल जाता है, हमें अनावश्यक चीजों से आजादी की दरकार है, और इसलिए हमें पहले अंग्रेजी राज से मुक्ति चाहिए, और इसलिए हम मशीनों के खिलाफ हैं और स्वदेशी और स्वराज की बात करते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी और चार्ली चैपलिन के बीच हुई इस बातचीत को आज लगभग 90 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। आज के समय में मशीनें लोगों की जिंदगी को जहां एक तरफ आसान बना रही हैं, वहीं अगर बात की जाए मशीनों से निकलने वाले धूल धुएं और पॉल्यूशन की, तब तब दोस्तों महात्मा गांधी जी की ये बात आपको कितना प्रासंगिक यानी रिलेवेंट लगती है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है सुहास, आपसे होगी फिर मुलाकात। थैंक यू।